नमस्कार, आप सभी का न्यूज पीआर पर स्वागत है। मैं हूं रिया। बेनीपट्टी में हुए पत्रकार अविनाश की हत्या के बाद अभी तक कुछ भी खुलासे नहीं हो पाए हैं। हत्या में कौन लोग शामिल थे, किसने अविनाश को मौत के घाट उतारा, यह सब कुछ पता नहीं चल पाया है। ऐसे में परिजन टूट टूट चुके हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल है। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही है बेनीपट्टी से, जहां पर अविनाश के पिता अन्न छोड़ चुके हैं। जी हां, बता दें कि अविनाश की हत्या को लेकर लोगों का आक्रोश अभी शांत नहीं हुआ है। भले ही मीडिया इस चीज़ को दिखाना बंद कर चुकी हो, भले ही बाकी जगहों पर मामले शांत होते हुए दिखे, लेकिन उनके घर में ये सब कुछ शांत नहीं हुआ है। ना ही बेनीपट्टी के लोगों के अंदर से वो जज्बा शांत हुआ है कि अविनाश को इंसाफ दिलाना है। जी तो पुलिस अविनाश के हत्यारों को पुलिस गिरफ्तार करेगी, कब गिरफ्तार करेगी, इस इंतज़ार में सब के सब आस लगाए बैठे हैं। बता दें कि अविनाश 9 नवंबर को गायब हुए थे और 12 नवंबर को उनकी लाश मिली थी। अविनाश के गायब होने के बाद से ही उनके पिता ने अन्न त्याग दिया है और फिलहाल बता दें कि अविनाश के पिता ने अन्न ग्रहण नहीं किया है। 15 दिन हो गए हैं और उनका कहना है कि जब तक मेरे बेटे के कातिलों को पुलिस नहीं ढूंढ लेगी, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। स्वजनों व ग्रामीणों के लाख समझाने के बावजूद उनके पिता नहीं मान रहे हैं और अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहते हैं, अपनी जिद पर अड़े हैं और पुत्र अविनाश की हत्या के बाद माता पिता दोनों के ही आंसू थम नहीं रहे हैं। अन्न ग्रहण नहीं करने के कारण शारीरिक कमजोरी से वो कई बार बेहोश हो चुके हैं। अविनाश की यादों में स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अविनाश के बड़े भाई त्रिलोक झा ने कहा कि जिस तरह से अविनाश की अपहरण के बाद हत्या हुई, हम लोगों ने प्रशासन के सामने न्याय के लिए हाथ फैलाए और भरोसा भी मिला, लेकिन आज तक उसी भरोसे पर टिके हैं। जिस तरीके से न्याय में देरी हो रही है, उम्मीद टूट रही है। घटना के 15 दिन बीत जाने के बावजूद अविनाश के हत्यारों का पता नहीं चल पाया है और साथ ही साथ इस पर कोई और स्टेप भी नहीं लिया गया है। इस बात को सोच सोच कर हम हैरान हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। 15 दिन बीत गए, अभी तक उसमें कुछ पता नहीं चल पाया है। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं हर मामलों की तरह यह मामला भी शांत ना हो जाए और इसमें भी ये लोग न्याय के लिए सालों साल भटकते ना रहे, अविनाश को सालों साल तक न्याय न मिले और उसकी आत्मा को शांति न मिले। यह सब बातें उनके परिवार वाले कहते नजर आ रहे हैं। 11 नवंबर को फर्जी नर्सिंग होम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा शंका जाहिर की गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक फर्जी नर्सिंग होम के संचालक को गिरफ्तार नहीं किया है और जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठ रहा है। बता दें कि मौके पर और भी लोग शामिल मिले और इस प्रकार से ये खबरें सामने आ रही है कि अब उनके पिता ने अन्न छोड़ दिया है, अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहते हैं, उसके बाद ही अन्न ग्रहण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। धन्यवाद।